फरीदाबाद की मेयर एक बार फिर एक्शन में। मेयर सुमन बाला ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें ज्यादातर कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट से नदारद मिले। इतना ही नहीं, कई कर्मचारियों को बीड़ी पीते हुए और आराम फरमाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस पर मेयर ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथ में पड़ी है आप लोगों की, आपके तो पीते नहीं है, इसलिए हाथ में थे, हाथ में चाचा के है नहीं है, पी रहे हो आप लोग, बैठ के गप्पे मार रहे हो, गाली दे रहे हो, बैठ के सुन रहे कि नहीं, गाली दे रहे कि नहीं दे रहे, गाली दे रहे आप, मैंने अंदर आते ही आपकी गाली सुनी है, बोलो नहीं दे रहे, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो गलत हो जाएगा, सच बोलोगे तो छोड़ो। निरीक्षण के दौरान मेयर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर शिकायतें मिलती हैं कि नगर निगम अधिकारी समय पर काम नहीं आते, जिसकी वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। इसी के चलते आज उन्होंने नगर निगम के कार्यालय पर औचक निरीक्षण किया है। मेयर ने बताया कि आज उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि ज्यादातर उच्च अधिकारी अपनी सीट से नदारद पाए गए, वहीं कुछ कर्मचारी आराम फरमाते हुए मस्ती करते हुए नजर आए। मेयर ने कहा कि अधिकारी हो या कर्मचारी, किसी भी वजह से जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और जो कर्मचारी आज नदारद पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम के अधिकारी समय पर आएंगे और जनता का काम ईमानदारी से करेंगे तब नगर निगम स्मार्ट होगा, यदि नगर निगम स्मार्ट होगा तभी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन पाएगा। मैंने आज नगर निगम का निरीक्षण इसलिए किया, मैं ये चाहती थी कि जो आम जनता कार्य कराने के लिए आती है नगर निगम में वो किसी प्रकार से परेशान ना हो। यही नगर निगम में यही माना जाता है कि अधिकारी समय पे नहीं आते, काम पे नहीं आते और पब्लिक जो है इस चीज़ को सफ़र करती है। तो मेरा जो आज मकसद था कि मैं, हमारी जो सरकार है कि ईमानदार सरकार है और मैं चाहती थी कि यहाँ के अधिकारी भी ईमानदारी से काम करें और समय पर आएँ और पब्लिक को किसी प्रकार का कोई सफ़र ना करना पड़े। मैंने जो नज़ारा देखा, कुछ अधिकारी मुझे सीट पर नहीं पाए गए, कुछ अधिकारी ऐसे पाए गए जो अपनी सीट पे नहीं थे, किसी और की सीट पे थे, कुछ ऐसे पाए गए कि जो मस्ती कर रहे थे, तो मैंने उन्हें सख्त कार्रवाई, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी होगा उन पे सख्ती से काम लिया जाएगा। जी, मेरा यही इरादा है, फरीदाबाद तो स्मार्ट सिटी में आएगी, लेकिन नगर निगम को भी स्मार्ट बनाना है, क्योंकि जब घर स्मार्ट नहीं होगा तो बाहर कैसे स्मार्ट बनाएंगे। अधिकारियों को टाइम पे आना होगा, तरीके से काम करने होंगे, ईमानदारी से काम करने होंगे, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा। तो मैं इस तरह के उचित निरीक्षण हमेशा करती रहूँगी।